नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और आप देख रहे हैं इनिशिएटिंग टेक चैनल को। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने डाली थी कि मैं 2 महीने से कोई भी क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो उस वीडियो में सारा रीजन एक बार आप जाके जरूर देखेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक और ऊपर आई बटन दे दूंगा। बाकी नया साल है 2021 है और आप सभी को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूं और हम ये आशा करते हैं कि ये जो साल है मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो, सभी के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो और बहुत काम आए वाला साल के लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो बाकी ये वीडियो है सेटअप टूर के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि जहां पे मैं काम करता हूं, कहां पे मैं काम करता हूं, किस तरह करता हूं, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सेटअप टूर मैंने आपके लिए बनाया है। और ताकि एक प्लान ये भी था कि उस वीडियो मैंने जैसे बताया कंस्ट्रक्शन वर्क हो रखा है और उसमें ये रूम जो है इंक्लूड हो जाएगा किसी तरीके से, और नए रूम पे जो है हम अपना सेटअप शिफ्ट करेंगे, तो वो नया रूम भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बाकी वर्क वगैरह भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये मेरा पहला व्लॉग टाइप का वीडियो, तो मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगा कैसा। तो ज्यादा देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप आवाज सुन पा रहे हो, कैमरा के माइक से सुन रहे हो, तो अभी जो एंगल पे आप मुझे देख रहे हो, इस जगह पे मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और ये हिस्सा जो आप वीडियो में देखते हो। बाकी अब मैं कैमरे को रोटेट करता हूँ। यहाँ पे एक हमारा सेकंड सिस्टम है, एक्चुअली ये पुराना सिस्टम है मेरा, और यहाँ पे जो मेरे साथ है मेरे पार्टनर, वो इंस्टाग्राम और वेबसाइट में मेरी हेल्प करते हैं, तो इसी पीसी से हम हेल्प लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो जो आप वीडियोज में देखते हो, यहाँ पे एक लैम्प है मेरा जो कि बहुत अच्छा सा है, और यहाँ पे एक मिनी ट्री जो कि आर्टिफिशियल है, वो मेरा एक कप जिसमें मैं अपने छोटे बहुत सामान रखता हूँ, जो छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स वगैरह होते हैं। बाकी एक सीपीयू जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, और ये मेरा दूसरा सिस्टम है पुराना वाला, और इसके ऊपर कुछ बॉक्सेस है जो प्रेजेंटली मैं अभी यूज़ करता हूँ। मैंने इन तीनों को लेकर वीडियो पहले बनाई है। अगारो का हेडफोन है, रियलमी का नेकबैंड है, और मेरा नया कैमरा जो पीछे बॉक्स रखा है फ्यूज फिल्म का XT200। इसकी जल्दी मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा नए वाले स्टूडियो से। तो बाकी ये जो फोम है, जिन्हें पता है ये कौन से फोम है, आपने कई वीडियोज़ में पहले भी देखा होगा, यूट्यूबर्स ने बनाया है, ये ऑर्केस्टिक फोम्स हैं। और ये सारे ही जो फोम्स हैं, ये इको को जो है, आप जो इको क्रिएट होती है रूम में, उसको एक तरीके से समझिए आवाज़ को सोखते हैं, ताकि जो है क्लियर कट आवाज़ जो है आप सुन पाएं। बाकी एक मोटिवेशनल कोट का एक बहुत ही अच्छा स्टिकर है जो मुझे इस रूम में लगाया, मैं इसको पढ़ के थोड़ा मोटिवेटेड रहता हूँ। तो सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को भी लेकर मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पहुँचना है। यू हैव टू जस्ट, अगर आप एक गोल पाते हो तो नेक्स्ट गोल के लिए तैयारी करनी है, फिर नेक्स्ट के लिए, तो इस तरह जो है जीवन चलता रहता है और आप नई नई कामयाबियों को छूते रहते हो। और ऊपर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर मैंने ग्रैब किए थे IIM से। बाकी इस तरफ एक मिनी डस्टबिन है जो छोटी मोटी चीज़ें डालने के लिए, बाकी एक सोफ़ा सेट है, और ये बैग है मेरे, स्पेक्स हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे एक स्टूल पड़ा हुआ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए वगैरह वगैरह। और अब मैं अगर बैठ जाऊँ तो इस तरह, तो दोस्तों ये मेरे डिफ्यूज़र्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते समय, ताकि आपको बैलेंस टोन मिले कलर्स के मामले में, लाइट के मामले में, जो काफ़ी बैलेंस लगे वीडियो, एडिटिंग में भी काफ़ी मदद करते हैं दोनों। तो ये दोनों मेरे डिफ्यूज़र्स है। बाकी सामने इस जगह पे कैमरा रहता है जहाँ पे आप स्टैंड को देख पाते हो। फिलहाल कैमरा मेरे हाथ में है और वो बोया का माइक है। और बाकी ये एक छोटी सी ग्रास वाली मैट है जो कि मैंने सिर्फ सामान वगैरह रखने के लिए, स्टैंड वगैरह इसी पे रखता हूँ। तो ये जो है कुल मिलाकर आपका ये जो है अपर व्यू है, और ये मेरा AC है जो गर्मियों में काम आता है। बाकी इस तरफ आप पर्दा देख सकते हो, और इधर भी कुछ साउंड प्रूफिंग के लिए एकॉस्टिक फोम्स लगे हुए हैं, और ऊपर भी छत पर भी मैंने एकॉस्टिक फोम्स लगा रखे हैं चारों तरफ, ताकि जो वॉइस क्वालिटी है आप लोगों को बहुत सही मिले। बाकी आई होप आपको ये सेटअप जो है मेरा पसंद आया होगा। तो ओके, तो ये है नया वाला रूम, मतलब ये नया रूम है, और इस तरफ इस जगह हम काम करते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये है पूरा सेटअप, और ये जैसा मैंने कहा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और ये जो है लॉबी इसमें इंक्लूड होगी, और
ये इस साइड पे किचन है नया वाला, लेकिन इसे जो है हम बड़ा करेंगे, तो इस वजह से ये दीवार इधर शिफ्ट होगी और इतने जगह पे जो है हमारा पूजा घर बनेगा, तो दैट्स वाई ये ऑफिस जो है इंक्लूड हो रहा है। बाकी ऑफिस अब जो है इस रूम में आने वाला है, तो अभी फिलहाल काफ़ी मैसअप हो रखा है सब कुछ। ठीक है, तो ये है नई वाली जगह, हालांकि इसमें भी बहुत काम होना है। पेंटिंग्स वगैरह होंगी यहाँ पर, पेंटिंग्स वगैरह होंगी और ऊपर फॉल सीलिंग या वगैरह जो भी मैं करा पाऊँगा। और ये है कंप्लीट नया वाला रूम जहाँ पे सारा काम होने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, उससे आई थिंक 3 से 4 गुना बड़ी जगह है जहाँ पे हम अपना नया ऑफिस सेट करेंगे। और फिलहाल मैंने टेम्परेरी के लिए यहाँ पे राउटर सेट कर दिया है ताकि मुझे स्पीड अच्छी मिले काम करने के लिए उधर। तो ये है कंप्लीट सेटअप, चलिए वापस से बात करते तो आई होप हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी कि अपने पूरे स्टूडियो को इस वीडियो में कवर कर दूं, और नया वाला रूम जो है उसकी हालत भी थोड़ी खस्ता हो रखी है, तो सब कुछ जो है बहुत नया होने वाला है आप लोगों के लिए, तो देखिएगा ज़रूर। और आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। बाकी कोई नया कॉमेंट हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो मुझे नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं कि क्या नया उसमें अपने स्टूडियो में कर सकता हूँ अपने लिए। बाकी आपके कमेंट हमेशा मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और इंस्टाग्राम में हम डेली टेक न्यूज़ डालते रहते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाकी पर्सनली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक इंस्टाग्राम की नीचे दे रखी है। बाकी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आस्था सफाई रखिए, बड़ों की इज्जत करिए, डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। थैंक यू।